हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट क्लासेस 1 2 3 पे। आज मैं आप लोगों को पूर्णांक का गुणा को हल कैसे करें इसके बारे में बताऊंगी। ये पूर्णांक का गुणा है, इसको हमें हल करना है। चलिए बढ़ते हैं, कैसे हम इसको हल कर सकते हैं। ये पूर्णांक विधि में इसको पहले हम सरल विधि में बनाएंगे। तो सरल विधि में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इससे और इससे गुणा करना पड़ेगा। तो 10 का पूर्णांक विधि से सरल विधि में बनाने के लिए हमको इस दोनों में गुणा करना पड़ेगा। तो इस दोनों का गुणा करेंगे तो 30, और 30 में प्लस 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 37/10 गुने 9 का अंक को 20 में भरेंगे तो कितना आएगा, 180 प्लस 6 करेंगे तो 186/20 हो गया। अब 7 का अंक को 60 में भरेंगे तो कितना आएगा, 420 प्लस 4 तो 424 प्लस 60 आएगा। आप गुना करके इसको देख सकते हैं। अब ये ऊपर नीचे काटेंगे तो क्या कटाएगा, हमको साइड, इसमें हम सामने वाले को नहीं काटेंगे, ऊपर नीचे कोना कानी काट सकते हैं। तो पहले हम ऊपर नीचे काट के देखते हैं क्या इसे कट रहा है, नहीं कट रहा, ना दूर से कट रहा है ना किसी चीज़ से कट रहा है, ये कट रहा है ऊपर नीचे। तो देखते हैं, 10 और इधर हो जाएगा 93 हुआ। अब इधर हो गया, इसको काट के देखते हैं, 30 और फिर हो जाएगा ये 212। अब फिर इसको इसे काटते हैं, 5 106 हो, हुआ। अब फिर हम इसको इसे काट के देखते हैं, 3 10 30, 3 3 9, 3 1 जा, अब हो गया। अब देखते हैं फिर से कटने वाला है क्या, फिर हम इसको काटेंगे। अब कोई करने वाला नहीं है, तब हम क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे। पहले ऊपर वाले को सबको गुना कर देंगे, यहाँ पे हम साइड में गुना करते हैं, 37 × 31 तो 7 3 3 7 जा 21, 2 3 3 जा 9 9 10 11, 7 4, अब हम गुना करेंगे 53। इसका ये गुना करके निकला है, अब हो गया 60 07 9 21, अब 10 5 जा 50 और 50 को 5 से गुना करेंगे 350। अब ये कटेगा, मुझे नहीं लगता कटेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आंसर हो गया 60791/250, इसका आंसर हो गया। बहुत ही आसान विधि है। अगर आप लोग ऐसे ही मैथ के इंटरेस्टिंग सवाल सॉल्व करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ। इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना ही भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगे। सो थैंक यू सो मच गाइस।